एवरीवन, स्वागत है राइट टू एजुकेट चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स के द्वारा दी गई 2020 के रिपोर्ट के बारे में। तो उन्होंने अपने इस रिपोर्ट में बताया कि पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा फाइल्स 2020 में 23,722 कंप्लेंट्स दर्ज की गई है ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स, और इसमें से 1/4 ऑफ द कंप्लेंट्स तो ऐसी हैं जो केवल और केवल डोमेस्टिक वायलेंस की। तो आप समझ सकते हो वुमेन सबसे ज्यादा अनसेफ कहाँ है, बाहर नहीं, उसके खुद के घर में ही पापी पल रहे हैं। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश 11,872 कंप्लेंट फाइल की गई है, देन दिल्ली, हरियाणा एंड महाराष्ट्र। और 7,708 कंप्लेंट तो ऐसी हैं विच इज अगेंस्ट राइट टू लिव विद डिग्निटी, और हमारे फंडामेंटल राइट्स में सबको उसकी डिग्निटी की रक्षा करते हुए उनको शोषण मुक्त जीवन जीने का अधिकार है। और 5,294 कंप्लेंट्स तो ऐसी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस की हैं। और एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने 2020 में बढ़ते क्राइम को लेकर कुछ कारण बताए कि इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी के कारण, या फिर स्ट्रेस लेवल में इंक्रीज होना, या पैसों की कमी की चिंता के कारण, और उनको उनकी फैमिली मेंबर से इमोशनल सपोर्ट ना मिलने के कारण डोमेस्टिक वायलेंस में इंक्रीज हुआ है। तो नाउ वी नो कि 2020 में 6 साल बाद सबसे ज्यादा कंप्लेंट फाइल की गई है, और 2014 में 6 साल पहले 33,906 कंप्लेंट्स फाइल की गई थी। और अभी 2020 में COVID-19 की सिचुएशन में वी नो होम बिकेम द वर्क प्लेस फॉर एवरीवन, एंड वुमेन्स वर मल्टीटास्किंग एट द टाइम कि वो अपने ऑफिस का काम और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है सेम स्पेस से। बट इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग हर और उसको रिस्पेक्ट देने की बजाय हम उसके साथ कुछ और ही दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और मानो लॉकडाउन की सिचुएशन में तो जैसे डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन की बाढ़ आ गई हो, क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन में वुमेन्स के साथ हो रहे हिंसा और दुर्व्यवहार से बचने के लिए वो किसी सेफ प्लेस या अपनी फैमिली मेंबर के घर भी नहीं जा सकते थे। और रेखा शर्मा ने इस रिपोर्ट में बताया कि लॉकडाउन की वजह से प्रोटेक्शन ऑफिसर्स या एनजीओस भी पीड़िता या विक्टिम के घर जाने में असमर्थ रहे, और पुलिस भी COVID-19 जैसी सिचुएशन के दबाव के कारण विक्टिम को इफेक्टिव तरीके से हेल्प नहीं कर सकी। और अगर हम बात करें तो थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स जो रिसीव हुई हैं वो है हरासमेंट अगेंस्ट मैरिड वुमेन और डाउरी हरासमेंट, और 1,234 कंप्लेंट्स रेप और अटेम्प्ट टू रेप से रिलेटेड हैं, और 76 कंप्लेंट्स सेक्सुअल हरासमेंट। वुमेन राइट एक्टिविस्ट योगिता भयाना का कहना है कि जो ये कंप्लेंट इंक्रीज हुई है, इनका मतलब है कि वुमेन भी कहीं ना कहीं अपने राइट्स को लेकर अवेयर हुई हैं और इनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर रही हैं और अब इस बारे में बात करने लगी हैं। पर पहले क्या होता था, पहले वुमेन्स अपनी इन शिकायतों को दबाती थी और किसी के साथ शेयर नहीं करते थे, बट अब गवर्नमेंट भी वुमेन्स के राइट को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करती है, जिससे वुमेन भी मोटिवेट फील करती हैं कंप्लेंट फाइल करने के लिए। अनदर वुमेन एक्टिविस्ट शामिना शफीक का कहना है कि दुर्भाग्यवश आदमी औरत को पीटना अपना अधिकार समझता है और उसे मजा आता है कि वो किसी और की लाइफ को कंट्रोल कर पाए, और ये सब बातें एक आदमी के दिमाग में केवल एक कूड़ा है। बेसिकली ये सब ट्रेनिंग लड़कों के दिमाग में पहले से ही भर दी जाती है। अगर लड़की को थोड़ी ही दूर जाना हो तो उसके साथ उसका 5 साल का भाई भेज देंगे। एक्चुअल में अगर लड़की को कुछ हो भी जाए ना, तो वो 5 साल का बच्चा उसे बचा नहीं सकता, और जब वही बच्चा बड़ा होता है तो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग और लड़कियों को कमजोर समझता है, और जिंदगी में वो लड़कियों से हारना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेसिकली जो आदमी अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल होता है वो ही लड़कियों पर हाथ उठाता है। इससे थप्पड़ मूवी याद आ जाती है कि जब उसके ऑफिस में प्रमोशन की डील कैंसिल हो जाती है तो वो तापसी पर हाथ उठाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मेल और फीमेल दोनों बराबर हैं, बट सोसाइटी के हिसाब से नहीं। तो इंडिया की पॉपुलेशन में 52% मेल है और 48% फीमेल है, और प्रायोरिटीज भी हर चीज में लड़कों को दी जाती है। अगर एक बच्चे को पढ़ाने के पैसे हैं तो पहले लड़के को पढ़ाया जाएगा, घर की नेम प्लेट पर लड़कों का नाम होगा, प्रॉपर्टी में पहला अधिकार लड़कों का होगा। ये सारी बातें एक वुमेन राइट के इशू की नहीं, ह्यूमन राइट के इशू की है। तो ऐसा क्या रीजन है कि लड़कियां अभी भी सेकेंड प्रायोरिटीज हैं लोगों के लिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वुमेन्स के राइट के लिए जो आवाज उठाती है एनसीडब्ल्यू, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एनसीडब्ल्यू है क्या? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कानून द्वारा 31 जनवरी 1992 को एस्टेब्लिश की गई थी। बेसिकली इट वर्क्स फॉर राइट्स ऑफ वुमेन और महिलाओं के हितों के लिए आवाज उठाती है। इसकी पहली हेड जयंती पटनायक थी और 30 नवंबर 2018 से इसकी चेयरपर्सन रेखा शर्मा है। अगर महिलाओं के साथ कोई भी दुर्व्यवहार या हिंसा होती है तो वो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल कर हेल्प ले सकती है।
That's it for today. And if you find this video informative, please hit the like button, share it, and subscribe to the channel. Thank you.